शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस जिसको बोलते हैं क्यू वैल्यू या क्यू फैक्टर। तो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस के अंदर क्वालिटी फैक्टर कहाँ से आया, हमने डेफिनेशन तो की अभी पहले, लेकिन एक्चुअल में क्वालिटी फैक्टर कहाँ से निकल के आ रहा है उसको और डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले रूल नंबर वन, आपका कोई भी अगर सीरीज रेजोनेंस सर्किट है उसके अंदर करंट का और ओमेगा का ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, रूल नंबर वन। रूल नंबर टू, जब ऐसा ग्राफ बनेगा तो करंट की वैल्यू पीक वैल्यू अटेन हो जाएगी और इस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। क्लियर है यहां तक? पॉइंट नंबर टू, अब इस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के लेफ्ट पे और राइट पे या रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे करंट क्या होता है, मैक्सिमम, यह भी पता है। करंट की वैल्यू क्या होगी यहां पर, मैक्सिमम। ये रूल भी क्लियर है। अब करंट कभी ना कभी आरएमएस वैल्यू जितना भी होता होगा, आईआरएमएस, आईआरएमएस क्या होता है, आई नॉट बाई रूट टू। अब ऐसा दो बार होता है, ये देखो ये है आई नॉट बाई रूट टू, और आई नॉट में ई नॉट बाई आर क्यों पुट किया, क्योंकि रेजोनेंस में जेड किसके इक्वल है, आर के इक्वल है। तो ये जो टर्म है इसको आई आरएमएस बोल सकते हैं। तो ये आई आरएमएस है, ये आई आरएमएस है। तो दो फ्रीक्वेंसीज पे करंट कितने कितना अचीव हो जाएगा, आई आरएमएस जितना। मैक्सिमम करंट सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी पे अचीव होगा रेजोनेंस, आरएमएस वैल्यू दो बार अचीव होगी, एक बार फ्रीक्वेंसी जो है वो रेजोनेंस से कम और एक बार फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस से ज्यादा। तो इन दो वैल्यूज पर आपकी जो वैल्यू है वो आई आरएमएस के इक्वल रहेगी फ्रीक्वेंसी की। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक। तो ये दो वैल्यूज हैं। अब इंपॉर्टेंस क्या है इस आरएमएस की या इस टर्म की, इसको डिस्कस करने का क्या मतलब है? अब ये जो डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी देख रहे हो, डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है, ओमेगा आर माइनस ओमेगा वन, इसको मान लो डेल्टा ओमेगा लिख दिया, डेल्टा ओमेगा चेंज इन फ्रीक्वेंसी। और ऐसी इन दोनों को माइनस करोगे तो ओमेगा टू माइनस ओमेगा आर, तो फिर से क्या आ जाएगा, डेल्टा ओमेगा आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? तो डेल्टा ओमेगा का मतलब चेंज इन फ्रीक्वेंसी। तो चेंज इन फ्रीक्वेंसी किसके किसके बीच में, जब आरएमएस वैल्यू आई थी, जब मैक्सिमम वैल्यू आई थी, जब आरएमएस वैल्यू आई थी, जब मैक्सिमम वैल्यू आई थी। तो ये डेल्टा, ये जो डिफरेंस है डेल्टा ओमेगा, ये डिफरेंस भी डेल्टा ओमेगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, टू इंटू डेल्टा ओमेगा। इसको क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ। इस चौड़ाई को बोलते हैं बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ क्या हुई, बैंडविड्थ है ओमेगा वन एंड ओमेगा टू फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस। तो बैंडविड्थ तो कुछ नहीं है, ओमेगा टू और ओमेगा वन का डिफरेंस। और ये ओमेगा टू ओमेगा वन कौन सी फ्रीक्वेंसीज हैं, जब करंट कितना होता है सर्किट के अंदर, आरएमएस जितना हो जाता है, तो उन दोनों की फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस को बैंडविड्थ बोलते हैं। और बैंडविड्थ का फॉर्मूला टू इंटू डेल्टा ओमेगा। आप कहेंगे नई टर्म क्यों इंट्रोड्यूस की, है ना, पहले आरएमएस लिया फिर बैंडविड्थ लिया, उसका रीजन है। आप मुझे एक चीज का आंसर दें, आपके पास कई सिग्नल्स हैं और मान लेते हैं कि उसमें रेजोनेंस हुई हुई है। तो एक सिग्नल ऐसा है, एक सिग्नल ऐसा है, एक लंबाई में है, ऊंचाई में है, और एक चौड़ाई में है। जो ऊंचाई में है इसका करंट बहुत हाई है और जो चौड़ाई में है उसका करंट लो है। हम यही चाहते हैं हमारा करंट मैक्सिमम हो, क्योंकि जो सिग्नल रिसीव हो रहे हैं रेडियो सेट जो रिसीव करता है, यार अगर करंट ही नहीं आएगा उसमें या करंट की वैल्यू लो होगी तो उसकी पावर लो होगी, पावर लो होगी सिग्नल क्लियर ही नहीं आएगा। तो जितना करंट मैक्सिमम होगा उतना हमारे लिए बढ़िया होता है। तो इसीलिए हम ये बोलते हैं कि ये सिग्नल शार्प है, तीखा है, शार्प है, इसकी पीक बहुत हाई है। तो कई सिग्नल रिसीव होते हैं, कई शार्प होते हैं, कई शार्प नहीं होते। तो होता क्या है, कई सिग्नल्स कैसे होते हैं, कई सिग्नल्स ऐसे होते हैं शार्प हैं। तो इनकी जो बैंडविड्थ है 2 इंटू डेल्टा ओमेगा, ये क्या होती है, लो। ये पतले होते हैं पर लंबे होते हैं। और कुछ सिग्नल ऐसे होते हैं, लंबे कम होते हैं, करंट कम होता है, लेकिन बैंडविड्थ काफ़ी ज़्यादा होती है। मैं ये चाहता हूँ मेरा करंट क्या हो, ज़्यादा हो, तो मेरी बैंडविड्थ क्या हो, कम हो। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो मेरा जो सिग्नल या मैं किस पे फोकस करूँगा, मैं ऐसे सिग्नल को रिसीव करना पसंद करूँगा जिसकी बैंडविड्थ लो हो। क्लियर है यहाँ तक? ताकि वो सिग्नल ऑटोमेटिकली क्या निकलेगा, शार्प निकलेगा, ऊपर की तरफ करंट उसका मैक्सिमम निकलेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो ये है शार्पनेस ऑफ अ सर्किट, शार्पनेस है। तो इसके अंदर यही बताया गया है क्या, कि क्वालिटी फैक्टर ऑफ अ सीरीज रेजोनेंस सर्किट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी टू द डिफरेंस इन टू फ्रीक्वेंसीज टेकन ऑन द बोथ साइड ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी सच दैट
एट ईच फ्रीक्वेंसी करंट एम्पलीट्यूड बिकम्स 1/√2 टाइम्स द वैल्यू एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी. पक्का समझ में कुछ नहीं आया होगा जो क्या लिखा. चलो ऐसे समझते हैं एक लाइन में कि इस डायग्राम को देखते हुए मैं डिफाइन कर रहा हूँ क्यू वैल्यू. क्यू वैल्यू की नई डेफिनेशन क्या डेफिनेशन है कि इट इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर डिवाइडेड बाई डिफरेंस ऑफ टू फ्रीक्वेंसीज ऑन आइदर साइड, यानी कि ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन. ठीक. और ये कौन से ओमेगा हैं, जब करंट कितना हो जाता है ओमेगा वन ओमेगा टू पे, आरएमएस. आरएमएस की बोलो आई नॉट बाई रूट टू. तो वही तो बोल रहा है, इट इज डिफाइंड एज ए रेशियो ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर डिवाइडेड बाई डिफरेंस इन टू फ्रीक्वेंसी ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन. और ये फ्रीक्वेंसी कौन सी है, सच दैट करंट एम्पलीट्यूड, करंट एम्पलीट्यूड को क्या बोलते हैं, मैक्सिमम करंट आई नॉट, और करंट कितना हो जाए आई नॉट बाई रूट टू, जिसको क्या बोलते हैं आई आर एम एस. तो सही लिखी डेफिनेशन, ये ज़्यादा बेटर डेफिनेशन है ये वाली. ठीक है. तो ओमेगा आर डिवाइडेड बाई टू इंटू डेल्टा ओमेगा क्या हो गया, क्यू वैल्यू. तो क्यू वैल्यू क्या हुई, रेशियो ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई, इस टर्म को क्या बोल सकते हैं, बैंडविड्थ. सिंपल, ये सबसे बेटर डेफिनेशन है. ओमेगा आर को बैंडविड्थ से डिवाइड कर दोगे तो क्यू वैल्यू आ जाएगी. अब मैंने आपको एक चीज़ लिख के दिखाई, अभी क्या लिख के दिखाया, मैंने ये लिख के दिखाया कि इसमें से ओमेगा आर में से ओमेगा वन को माइनस करेंगे तो डेल्टा ओमेगा आएगा. यहाँ से ओमेगा वन क्या आएगा, ओमेगा आर माइनस डेल्टा ओमेगा. उसी तरीके से इसको देखते हुए ओमेगा टू माइनस ओमेगा आर बी डेल्टा ओमेगा, तो ओमेगा टू की वैल्यू क्या आएगी, डेल्टा ओमेगा प्लस ओमेगा आर. सिंपल, वही सेम चीज़ है. ठीक है यहाँ तक. तो यही मैंने यहाँ लिखा हुआ है, देखो ओमेगा वन ओमेगा आर माइनस डेल्टा ओमेगा, ओमेगा टू ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा. अगर आप इन्हें माइनस कर लें, ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन, तो डेल्टा ओमेगा टू टाइम डेल्टा ओमेगा हो जाएगा और ये कट जाएगा. तो ये तो मैंने आपको ओरली वैसे ही बता दिया कि ओमेगा टू और ओमेगा वन के डिफरेंस को क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ. ये तो मैंने वैसे डायग्राम से समझा दिया था, तो ये करने की आपको जरूरत नहीं है. टू इंटू डेल्टा ओमेगा बैंडविड्थ है, दैट इज ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन. और मैंने ये भी बता दिया अगर क्यू फैक्टर हाई है तो बैंडविड्थ लो है, अगर शार्पनेस ज़्यादा है, क्वालिटी ज़्यादा है, शार्पनेस ज़्यादा है, करंट ज़्यादा है तो बैंडविड्थ लो है. और ऐसी शार्पर इज द करंट, तो क्यू फैक्टर क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है. राइट.